नमस्कार, आप सबका प्रोवेक इंजीनियर फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल नंबर 2017 इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो में स्वागत है आपका। आप सब यहाँ पर जो करोड़पति लोग खड़े हैं मेरे सामने, सब बायोमास से बायोमास पैलेट, बायोमास से बायोगैस, या कचरे से वेस्ट कैसे बनाया जाए, पैलेट कैसे बनाया जाए, या म्यूनसिपल वेस्ट से पैलेट कैसे बनाए, ऐसा सर्च कर रहे होंगे, मुझे जहाँ तक पता है। लेकिन मैं आपको यह आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ आप किस क्षेत्र से। बहरहाल, आप किसी भी क्षेत्र से हो, हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़े एग्रीकल्चर बायोमास है वो पराली है, राइस हस्क है, मस्टर्ड हस्क है, सोयाबीन हस्क है, कॉटन सीड स्टॉक है, नेपियर है, बगास है, प्रेस मड है, सॉडस्ट है, इसके बाद मूंगफली के छिलके हैं। ये सब हमारे यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो रॉ मटेरियल है, राइट। मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन का राउंड अलग से रहेगा, इसलिए आप समझ लो पहले। अब हम जब बात करते हैं कि हम पैलेट बनाना चाहते हैं या बायोमास से पैलेट बनाना चाहते हैं, लेकिन बायोमास एक इंग्लिश में बड़ा भारी वर्ड है, हिंदी में इसका मतलब है कचरा। कोई भी खेती का कचरा, इंडस्ट्रियल कचरा, एमएसडब्ल्यू यानी कि म्यूनसिपल का वेस्ट हो गया, उस सबसे आप पैलेट बना सकते हैं। लेकिन हम बना लेंगे, हम कहाँ देंगे और कैसे बनाएंगे, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बनाने का पैलेट क्यों बना रहे हैं, पैलेट बनाने का हमारा जो मकसद है वो है ऐसा फ्यूल बनाना जो कोल को टक्कर दे सके, क्योंकि कोल अभी आयात हो रहा है या खदन से आ रहा है। तो सरकार दोनों में चिंतित है, आयात कर रहा है डॉलर जा रहे हैं, खनन कर रहा है तो भी नुकसान हो रहा है। तो सरकार चाहती है कोल का रिप्लेसमेंट, इसीलिए उन्होंने बायोफ्यूल के अंदर पैलेट पर बड़ा जोर दिया, और आज पैलेट का इतना जोर दिया कि आज तीसरी एग्जीबिशन में हम यहाँ पर है, एनटीपीसी 77 लाख टन का ऑर्डर निकाल चुकी है, 77 लाख टन का एनटीपीसी ने ऑर्डर निकाला हुआ है, लेकिन उसके सामने 3 लाख टन का ही सप्लाई मिल पा रहा है, राइट। सो द थिंग इज दैट कि भाई गैप बहुत बड़ा है इंडस्ट्री में, रेगुलेशन तो है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, कोई कहता है रॉ मटेरियल तो है लेकिन कहाँ माल भेजूँ, तो बहुत सारे गैप्स बने हुए। इसी के लिए हमारी कंपनी जो काम कर रही है, यूट्यूब से भी फिलिंग कर रही है, सामने फिलिंग कर रही है। तो आप अगर हम पैलेट बना लेते हैं, हमारे पास तीन बड़े मार्केट है। फर्स्ट मार्केट एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके साथ साथ राज्य के पावर प्लांट मिला लें तो देश भर के 170 पावर प्लांट पैलेट लेने के लिए रेडी है। लेकिन उनकी एक शर्त है कि हम 3000 से 4000 जीसीबी का माल ही लेंगे, 4000 से ऊपर ज्यादा शक्कर डाली आपने, चीनी डाली चाय में, हमको मतलब नहीं है, हम पेमेंट नहीं करेंगे, और 3 से कम डाली तो हम आपको पेमेंट काटेंगे। उनका सिंपल फंडा है, 4000 से ऊपर क्यों नहीं लेना चाहते, मैं आपको सारा बताऊंगा। सर आप पहले सुन लो मेरे को, 20 मिनट में फ्लो खराब होगा फिर आपको सारे क्वेश्चन जवाब दूंगा, राइट। नाउ द थिंग इज दैट उन्होंने कह दिया 3 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, हम देंगे ही नहीं। हाँ, अगर टोरीफाइड कर रहे हो आप तो 4.5 तक देने को रेडी है, टोरीफाइड कर रहे तो ठीक। अब उसके बाद में बड़ा काम हो गया, एनटीपीसी कर क्या रहा है, एनटीपीसी बेसिकली अपने जो पावर प्लांट है उनमें क्या करता है कि कोयले को चूड़ी बनाता है बॉल मिल के अंदर, उसके साथ से जो डस्ट बनती है उसको सक्शन करके बॉयलर चला रहा है, बॉयलर से स्टीम बना रहा है, स्टीम से टर्बाइन घुमा रहा है, उससे पावर जनरेशन हो रही है। इसी तरह से जो सेकंड बड़ा मार्केट है वो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मार्केट, जो है फार्मा कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी, केमिकल कंपनीज, ये सारी बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपनी पावर खुद जनरेट करती है, इसीलिए ये भी कोल पे डिपेंडेंट थी, ये सब भी पैलेट पाना चाह रही है। लेकिन इनका एक ही मकसद है कि हमको कचरा नहीं चाहिए, हमको सस्ता पैलेट नहीं चाहिए, हमको वो पैलेट चाहिए जिसके अंदर जीसीबी अच्छा हो। इनके लिए सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट हो गया वो है मस्टर्ड हस्क, या फिर अपन बात करें पराली हो गया, ये नेपियर हो गया, ये और यह सॉडस्ट हो गया, इन सबके पैलेट ले लोगे ये रेडी है, अच्छा कॉस्ट भी दे रही है तो अच्छा पैलेट भी ले रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा मार्केट हो गया, जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, वो हो गया ईट भट्टे, डाई इंडस्ट्री, कुरकुरे के प्लांट, नमकीन के प्लांट, पोहा प्लांट, चिवड़ा प्लांट, परमल प्लांट, दाल मिल, राइस मिल, फूड प्रोसेसिंग की जितनी कंपनी थे वो कहीं ना कहीं अपने आप पर बॉयलर चलाती है, उसमें भी ये लोग पैलेट यूज करना चालू कर दिए, कोयले की जगह, गैस की जगह, डीजल की जगह। तो कोल अगर देखा जाए, कोल की जगह, कोल, डीजल, अपन फर्नेस ऑयल देख ले, इन सब की जगह पर जो सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट है वो है ग्रीन फ्यूल पैलेट। मैं यहाँ पैलेट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पैलेट को प्रमोट करने वाले काफ़ी लोग होंगे, मैं सिर्फ इंडस्ट्री को जो गैप्स है उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये बात हो गई कि हमारे मार्केट कौन कौन सा है, अब हमने पैलेट की क्वालिटी बता दी, लेकिन अब वो पैलेट बनेगा कैसे। तो पैलेट को बनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज की डेट में अगर आप प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप सोच रहे हैं मैं प्लान लगाऊं तो मैं माल किससे खरीदूं, आप फार्मर को डायरेक्ट रीच कर रहे हैं, जबकि तरीका ये होना चाहिए आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने पर जोर देना चाहिए, फार्मर्स का ग्रुप बना 1000 फार्मर्स का, वो आपको माल दे पाए, उससे क्या होगा आपको सालों साल माल मिलेगा। नहीं तो गैप क्या पड़ रहा है, जिसके पास प्लांट वगैरह हमको माल नहीं मिल रहा, और जिसके पास ऑर्डर है उसको माल नहीं मिल रहा, और जिसके पास माल पड़ा है क्योंकि वो दूर दराज क्षेत्र में है उसके पास ऑर्डर नहीं है। तो ये गैप फिलिंग होना चाहिए, किलोमीटर से बहुत किलोमीटर से जब गैप फिलिंग हुए तभी जाके ये मार्केट पूरा बनेगा। अब आते हैं प्लांट के ऊपर, प्लांट में दो तरह के प्लांट है, व्हाइट कोल और ब्लैक कोल। व्हाइट कोल मतलब जो कि कोल का रिप्लेसमेंट है, कोल नहीं है, ये जो पैलेट दिख रहा है ये कोल का रिप्लेसमेंट है, कोल नहीं है, ये व्हाइट कोल है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर 10% के आसपास है, इसमें ऐश 7 से 10% है, इसके अंदर जीसी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन ये कोल का रिप्लेसमेंट नहीं है, कोल का रिप्लेसमेंट है, कोल नहीं है।
इसको कैसे बनाते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए मल्टीपल रॉ मटेरियल है, पराली है, तो आप पराली का जो बेल है उसको उसमें डालेंगे, यहाँ से जो पराली की बेल है 30 से 50 एमएम के पार्टिकल के अंदर निकल जाएगी, 1 से 2 इंच में पार्टिकल निकल जाएगी। उसके बाद आप इसको यहाँ से हैमर मिल में ग्राइंड करेंगे, लेकिन हैमर मिल कहती है अगर मॉइस्चर 20% से ज़्यादा है तो ये हैमर मिल एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसके लिए आपको पहले ड्राई करना पड़ेगा। तो पहले ड्राई करना पड़ेगा फिर हैमर मिल करना पड़ेगा, डिपेंड आपके पास मॉइस्चर कितनी आ रही है। अगर मॉइस्चर आपको साल का 8 महीने कम मिल रही है, 15% से कम मिल रही है, 20% से कम मिल रही है, तो आप डायरेक्ट हैमर मिल लगा सकते हैं। ये हो गया पराली का, कॉटन सीड स्टॉक का, मस्टर्ड स्टॉक का, जितने भी स्टॉक हैं तने हैं वो सब इससे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लकड़ी का बुरादा से करना चाहते हैं तो लकड़ी का बुरादा, लकड़ी से चिप्स बनाना, लकड़ी से बुरादा बनाना, इसके लिए मशीन देख रहे हैं, ये मशीन है राइट। तो हम मल्टीपल प्लांट लगाए, वर्सेटाइल प्लांट लगाए, तो हम सालों साल प्लांट लगा सकते हैं। साथ साथ नेपियर भी आ गया, तो नेपियर से भी आप सीधा ड्राई करो, उसको हैमर मिल करो और पैलेट बना सकते हैं। तो हमने ड्राई कर लिया, हैमर मिल कर लिया, अब आ गए यहाँ पर स्टेज पर। यह है मिक्सर, मिक्सर में क्या कर रहे हैं, अगर आप पराली से पैलेट बना रहे हैं तो पराली से जीसीबी मिलेगी 3200, लेकिन क्योंकि पावर प्लांट में आप दे रहे हैं, पावर प्लांट बोलता है कि हर 1000 जीसीबी का हम आपको 2 रुपये 32 पैसे देंगे, 3000 जीसीबी का हम 7 रुपये देंगे, 4000 जीसीबी को 9 रुपये देंगे। आप इंसान, आपने कहा मैं 7 रुपये में क्यों काम करूँ, मैं 9 रुपये में काम करूँ, तो आप इसमें सॉलस मिलाएंगे, ग्राउंडनट मिलाएंगे, या फिर ग्रास मिलाएंगे, नेपियर मिलाएंगे, इससे आपकी जीसीबी बढ़ाएंगे ताकि आप 9 रुपये के लिए अप्लाई कर पाए, बनस्पत 7 रुपये के। उसके बाद पैलेट बनाने के बाद में सॉरी यहाँ से लाएंगे आप पैलेट मशीन के अंदर, वो जो पैलेट मशीन देख रहे हैं ये यूलोंग कंपनी की मशीन है, विश्व की सबसे विख्यात कंपनी है, दुर्भाग्य से इनका प्लांट चाइना में है इसलिए चाइनीज मशीन कहलाते हैं, लेकिन विश्व की सबसे विख्यात मशीन में है। ये यूलोंग मशीन से हम लोग पैलेट बनाते हैं 6 mm, 8 mm, 10 mm का राइट। यहाँ से पैलेट बनाने के बाद में जो उसका बुरादा रहेगा, जो प्रोसेस के अंदर लॉसेस होंगे वो यहाँ से निकल जाएगा, कूलिंग कर लिया और हॉपर में भर लिया। यहाँ से आप 20 किलो का पैक भी भर सकते हैं, और चाहें तो आप 30 टन का हॉपर में डाल करके लॉरी नीचे ला करके पावर प्लांट को लॉरी में भी दे सकते हैं। ये प्लांट हुआ वाइट कोल प्लांट, यानी कि कोल का रिप्लेसमेंट, कोल नहीं है। लेकिन एनटीपीसी की सबसे बड़ी समस्या, पावर प्लांट की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनके यहाँ पर सबसे पहले बॉल मिल में कोयले को क्रश करते हैं। अब अगर 5% 7% इसको मिला देते हैं तो कोयले की भी मॉइस्चर बढ़ जाती है, कोयले की मॉइस्चर बढ़ जाती है, क्योंकि कोयले के अंदर मॉइस्चर होती नहीं है, इसके अंदर मॉइस्चर बढ़ जाती है, इसके अंदर तो जो सक्शन चैनल होते हैं उनके वो चौक हो जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कुछ एनसीपीसी, यानी कि 20% के आसपास जो पावर प्लांट है वो कहते हैं हमारे यहाँ तो चलेगा ही नहीं, हमें ब्लैक कोल चाहिए। ब्लैक कोल मतलब टॉरीफाइड कोल। टॉरीफाइड कोल का फायदा क्या है, टॉरीफाइड कोल में अगर आपके पास यहाँ पर 3200 जीसीबी मिल रही है तो यहाँ पर आपको 4500 जीसीबी मिलेगी उसी चीज की। लेकिन नुकसान क्या है कि अगर यहाँ से आपके पास 5 टन प्रोडक्शन है तो यहाँ से आपको 2.5 टन नहीं रह जाएगा, आधा रह जाएगा, बट कॉस्ट भी मिल रही है। जहाँ आपको नॉन टॉरीफाइड की कॉस्ट 1000 जीसीबी के लिए 2 रुपये 32 पैसे मिल रही है, यानी कि 4000 जीसीबी के लिए 9 रुपये मिल रहे हैं, वहीं पर इसको आपको 4000 जीसीबी के 16 रुपये मिल रहे हैं, 1000 जीसीबी के 3 रुपये 90 पैसे दे रही है। ऐसा एक टेंडर पंजाब में हो चुका है TSPL प्राइवेट लिमिटेड को, जो पावर प्लांट हो चुका है। तो थिंग इज दैट कि आपने ब्लैक कोल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपने 350 से 500 डिग्री के टेम्परेचर लेकर के जो आपका व्हाइट कोल था इसको कोल में कन्वर्ट कर दिया, आपकी मॉइस्चर कम हो गई 2% से कम, आपकी एस 2% से कम हो गई, इससे जो टार गैसेस निकलेंगी इसको आप भट्टी जलाएंगे, इधर भी भट्टी जलाएंगे, वो भट्टी जलाएंगे, इससे जो टार निकलेगा उसको आप एक्टिवेटेड चारकोल वालों को भेज देंगे, मतलब कुल मिला के पूरा पैसा वसूल। लेकिन कॉस्टिंग ऐसी है कि यहाँ से 5 टन माल डालेंगे इसके अंदर तो 2.5 टन माल निकलेगा राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट प्लांट। आप प्लांट के बारे में बता दूं, हमारे पास क्योंकि आप सब करोड़पति लोग हैं, आपके पास 4 मॉडल हमारे पास है, 1 टन 2 टन 3 5 टन और 10 टन, 1 टन पर आवर, 2 टन पर आवर, 5 टन पर आवर, 10 टन पर आवर। 1 टन पर आवर का जो प्लांट होता है वो 6 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट में लगता है। प्लांट ओनली प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं ना उसमें शेयर की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, ना जमीन की कॉस्ट की, ना ट्रांसफार्मर की। प्लांट जो होता है 7 हज़ार स्क्वायर फीट लगता है 1 टन का प्लांट। पावर लगती है 225 kVA, प्लांट की कॉस्ट 80 से 90 लाख रुपये की है। लेवल लगती है 3 से 4। 2 टन पर आवर का प्लांट की बात करूँ, नॉन टेंसाइड की बात कर रहा हूँ मैं, 2 टन पर आवर का प्लांट है, उसकी कॉस्ट है 1 से 1.25 करोड़ रुपये कॉस्ट है। प्लांट की एरिया लगता है 9000 स्क्वायर फीट का, प्लांट के लिए एरिया लगता है 15000 स्क्वायर फीट का, और प्लांट में लगती है लेबर 6 से 7। 5 टन पर आवर यानी कि 100 टन पर डे की बात करूँ तो उसमें अंदर पावर लगती है 525 kVA, प्लांट की कॉस्ट है 2.5 से 3 करोड़ रुपये की, इसमें एरिया लगता है लगभग 20000 स्क्वायर फीट का, और उसमें लेबर लगती है 8 से 10। और सबसे बड़ा प्लांट जो है 250 टन पर डे यानी 10 टन पर आवर की बात करूँ तो उसके अंदर एरिया लगता है 25000 से 30000 स्क्वायर फीट, पैसा लगता है 550 से 6 करोड़ रुपये, पावर लगती है 950 से 1000 kVA, और मैन पावर लगती है 12 से 15। ये 4 मॉडल हमारे पास हो गए। ये सारी बात हुई नॉन टॉरीफाइड की। अगर आप टॉरीफाइड बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 3 मॉडल है, 1 टन से 500 किलो, 2 टन से 1 किलो, और 5 टन से 2.5 किलो, 5 टन सॉरी। तो 1 टन से 500 किलो की बात करें तो ये चैम्बर है 80 लाख रुपये का, 2 टन से 1 टन की बात करें तो ये चैम्बर है 1 करोड़ 20 लाख का, और अगर हम बात करें 5 टन से 2.5 टन का तो ये चैम्बर है 1 करोड़ 80 लाख का। एक्स्ट्रा कॉस्ट बिकॉज दिस इज ऑप्शनल।
अभी लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे लोग इस पर। छह से सात लेबर बोलते हो तो ये पूरे 24 आवर्स या पर शिफ्ट? फॉर शिफ्ट, पर शिफ्ट। कितने घंटे में फाइट करना है? लेट मी कंप्लीट, मैं आ रहा हूँ इस पर। 250 टन पर डे राइट? मैं आ ही रहा हूँ, इस पर आ रहा हूँ राइट। तो दिस वॉज ऑल ओवर द कम्प्लीट प्लांट। प्लांट के बारे में मैंने बताया आपको क्या क्या एरिया में लगता है, क्या बनाना है आपको सारा बता दिया, रॉ मटेरियल जिस भी बता दिया आपको, और कहाँ लगेगा कहाँ भेजना सारा बता दिया। मतलब गैप इज दैट कि आदमी इंडिविजुअल काम करना चाह रहा है वो एक फार्मर को डिच कर लेता है। जब तक वो फार्मर का क्लस्टर नहीं बनेगा तब तक इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब भी आप आएँ, आज आएँ कल आएँ एक साल बाद आएँ, पूरे रॉ मटेरियल की तैयारी करके आइएगा। और प्लांट जो भी लगाइएगा वो पूरा वर्सेटाइल लगाइए, मतलब ऐसा नहीं पराली पे लगा रहे हैं। हमारे पास सोडस की तैयारी भी होनी चाहिए, हमारे पास नेपियर की तैयारी भी होनी चाहिए। आपको बता, नेपियर को ब्राजीलियन गैस भी बोलते हैं, क्योंकि कंप्लीट ब्राजील में कल्टीवेशन हो रहा है इसका। नेपियर से वहाँ पर गैस भी बन रही है, एथेनॉल भी बन रहा है, पैलेट भी बन रहा है, और वहाँ पर फर्टिलाइजर भी बन रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ उससे पैलेट बनाना चाहते हैं, पैलेट भी बना सकते हैं राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट द कम्प्लीट प्लांट। आपके क्वेश्चन, कंप्लीट ऑटोमेटिक, आपको सिर्फ वहाँ पर रॉ मटेरियल फीड करना है, बाहर कुछ नहीं आएगा कोई डस्ट, एवरीथिंग विल बी डस्ट कंट्रोल्ड। ये डस्ट कलेक्टर बैग लग रहे हैं सब जगह। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या बैठ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अभी आपका रॉ मटेरियल जो भी कॉस्ट पर आ रहा हो, किसी भी प्लांट के अंदर एक टन पर आवर, दो टन पर आवर, या पांच टन पर आवर, दस टन पर आवर का, इसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट है 200-250 रुपए है। बताए तो कैसे ब्रेकअप है, 1 से 1.25 रुपए लाइट का कॉस्ट है, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 50 पैसा लेबर का है, 50 से 60 पैसा लेबर का है, 35 पैसा से 50 पैसा मेंटेनेंस का है, 10 पैसा एडमिनिस्ट्रेशन का है, और 20 पैसा उठाई धराई। मतलब यहाँ सब्सिडी आई रहा उस पर, सब्सिडी जो है ऊँट के मुँह जीरे जितनी है, 1 टन पे 21 लाख, 2 टन पे 42 लाख की सब्सिडी है। यानी कि 2 टन का प्लांट अगर 1.25 करोड़ का है, 42 लाख सब्सिडी मिल रही है, तो एवरेज 30% की सब्सिडी मिल रही है। लेकिन सरकार टैक्स पहले लेती है, एडवांस टैक्स लेती है, सब्सिडी आती है नहीं आती। लगभग 2.5 करोड़ का आसपास। अच्छा, 1.25 रुपये लाइट 50 पैसा लेबर 35 पैसा मेंटेनेंस और 10 पैसा एडमिनिस्ट्रेशन और 20 पैसा का उठाई धराई। सर आप सब पूछ रहे थे कुछ? ओपेक्स है। हाँ जी सर, 35 जो आएगा और जो कोल है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी? सी, कोल और 25 का कंपैरिजन नहीं है, बट 25 इज नियरेस्ट टू द कोल, नियरेस्ट टू द कोल। बट कैन इट बी यूज्ड फॉर स्टील सेक्टर आल्सो? स्टील सेक्टर दे आर यूजिंग, पीपल आर यूजिंग इन रायपुर। जीसी भी मिल रहा है? जीसी भी मिल रहा है ना, आप अगर लकड़ी से बना रहे हैं तो आपको साझा जिससे मिल रहा है। केमिकल कंपोजिशन भी निकल रहे हैं। अच्छा, आप सामने से थे? थैंक यू सर। थैंक यू। अभी आपने फर्स्ट है 2.5 रुपये पर केजी, विल बी ऑपरेशनल फॉर द नॉन टेरिफिकेशन। टेरिफिकेशन की बात करें तो ज़्यादा हो जाएगी, बट अभी नॉन टेरिफाइड की बात करें 2.5 रुपये पर केजी आसपास का है। उसमें 1.25 रुपये लाइट का है, 50 पैसा लेबर का है, 10 पैसा एडमिनिस्ट्रेशन का है, 35 पैसा मेंटेनेंस का है, और 20 पैसा उठाई धराई। पटक ₹3 के आसपास पराली आएगा, 5.5 का पड़ गया, तब भी तो सरकार 3000 जीसीयू का 7 रुपये दे रही। गुरु जी आपको 50 पैसा 75 पैसा बच ही रहा है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए चाहिए आपको। हाँ। तो आप पराली क्यों बना रहे हैं? आपको तो फिर अच्छा अच्छी जीसीयू का लेना चाहिए। आप स्टील इंडस्ट्री से क्या प्रीमियर? अच्छा, इतना बनाते हैं तो आप तो सर फिर किससे बनाएंगे? आप तो वेस्ट से बना लीजिए। अभी तो हम पराली से बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। पराली क्या होता है, जब ये रेनी सीजन है वहाँ पे मॉइस्चर बढ़ जाता है उसमें, तो साइज एज हाई एज 50% उस सूरत में बॉयलर सब बेकार होते हैं वहाँ पे। हमें फिर देखिए सर, आप अगर सूरत में ना, आप यहाँ पर हिमाचल में, देर आर टू थिंग्स यू कैन वर्क ऑन। आप नेपियर पर वर्किंग कर सकते हैं, आप मस्टर्ड पे वर्किंग कर सकते हैं, राइस हस्क पे, पेडी स्टॉक वर्किंग किया था। हाँ, फॉरेस्ट पे करिए। बॉयलर है उस टाइप का नहीं कि मस्टर्ड को अकेले चलाएगा, 10-15% चलाएगा, बाकी 85% पराली या कोई हैवी मटेरियल चाहिए, अदरवाइज वो बर्निंग वैल्यू नहीं मिलेगी। वो तो बैक इंडिकेशन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कंसल्ट करना पड़ेगा बॉयलर वालों को, तब जाकर हो पाएगा। पीपल आर डूइंग पेपर चीमा वालों से वी आर इन क्लोज डिस्कशन। हाँ, उनके पास अभी कोई सॉल्यूशंस का नहीं है। There are many one, like Isotex is doing. Isotex के जितने बॉयलर हैं वो 100% पैलेट पे चल रहे हैं। Isotex कर रहा काम आपसे 100% पराली पे चल रहे हैं। पैलेट पे पैलेट पे वीकेंड वही है कि पहले पराली से पैलेट पे आना, तो अगेन पैलेट इज कॉस्टिंग मोर। पराली मिलता है 2.5-3 रुपये के बीच में, पैलेट मिलेगा 7-8 रुपये, 8-9 रुपये तक कॉस्टिंग जो आएगा।
और कोई क्वेश्चन? इसमें अपना जो अपना ये सेटअप होता है तो ऐसा है कि एक अपना प्लांट एक ही टाइप का रॉ मटेरियल ले पाएगा कर सकता है? नहीं नहीं कोई ले सकता ना, जैसे आपने इसमें आप इसमें सोयाबीन हंसी डाल सकते हो। आपका कार्बनाइजिंग चैम्बर है या ड्रायर? दिस इज एन कार्बनाइजेशन कम टॉरिफिकेशन चैम्बर, दिस इज नॉट अ ड्रायर। यस, ये जो लिखा है ना, दिस विल रन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, दिस विल रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी टू रोटेट टू कन्वे द पावर टू कन्वे द पाउडर, बट if you want to burn then you need to use the gas out, coming out of that, the syn gases coming out of that, you will purify that and you will burn in this manner. ye 150 to aadme mein ghumega dheere dheere. सबसे कौन से होता है सबसे एफिशिएंट कौन सा मटेरियल होता है किसके लिए अपना डालने के लिए? देखिए मैं कह रहा हूँ जिसमें ज्यादा जीसीबी वो सबसे अच्छा। अब आप कहाँ से? नोएडा, दिल्ली। तो पराली भी अच्छी चल रही है, अभी पराली से लोग पैलेट बना ही रहे, मस्टर्ड अच्छा है, सोडस अच्छी है, नेपर अच्छा है, लॉट ऑफ मटेरियल। सर मैं यहाँ पे आपके पास आया था बनारस से। कहाँ से? बनारस से। हाँ जाओ, मेरे को नेपियर से एथेनॉल बनाना है। एथेनॉल काम में नहीं करता? आप तो नहीं करते, लेकिन मैंने आपने एक वीडियो देखा था जिसमें आपने किसी सज्जन को बुलाया था। वो तो मैंने उसके लिए बनाया था, रोशन लाल जी को बनाया था। रोशन लाल एक्चुअली दे प्रमोट दिस फार्मिंग ऑफ नेपियर। इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रिंग दिस नेपियर एथेनॉल में ना, हम कनेक्ट कर देंगे बढ़िया पार्टी से, अच्छे लोगों से जुड़ा देंगे। I want to work on that. I have almost 250 acres land. What did you come to pellet? Pellets ka viability mere ko utni khas lagi nahi because there it has almost 70% moisture. ठीक है 30% बचेगा उसमें, 30% सब कितना ही pellet बना लेगा। देखो मेरी बात समझो, मेरा आपको अपन जब संतरे खरीदते हैं ना, अपन किलो में खरीदते हैं, जूस कितना निकलता है ग्राम्स में भी, आप उसमें मत देखो कितने में मिल रहा है क्या मिल रहा है। भाई आपको 70% मॉइस्चर भी मिला और से 30 भी मिल गया, आपकी नेपर क्या फार्मिंग में आ रही है, आपकी 70% कॉस्ट पड़ रही है, 70-75 मान लो। अब आपने उसका 70 से आप 30% भी लिया, 40% रिडक्शन कर दिया, तो भी कॉस्टिंग कितनी हो गई, कितनी हो गई, मान लो आप 2 रुपये हो गई, 2.5 रुपये हो गई, आपने उसको फर्दर 10% में लिया है तो भी 3 रुपये हो गई, कॉस्टिंग में आपके 2.5 रुपये है, 3 रुपये मान लो, 6 रुपये में आपको बन गया, तब भी तो आप पाउडर को 7 रुपये में बेच रहे हो, आपके तो टांडा हो, 4 समय टेंडर निकले हुए, पीपल आर लुकिंग फॉर यू सर, आप कहाँ हो, आप तो टेंडर भरो फटाफट से। जो एनटीपीसी का बता रहे हो तो नॉन क्वालिफाइड का बोलते हैं, बहुत कठिन बना हुआ था, नॉन क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड का भी है, और अभी एचपीसीएल का जो प्लांट है वो यहाँ पर पंजाब में, उनका क्वालिफाइड का भी टेंडर निकल चुका है। अभी मेरे पास 2 लोग बैठे थे जो ये सॉर्ट्स का जो क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड क्वालिफाइड का एलओए लेके बैठे थे बिहार से, सरकार तो ईगरली वेट कर रही है करने के लिए। हाँ अभी नहीं है। अंशुल जी हम लोग तो नोएडा में रहते हैं जी, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि आप पहले आइए, पहले 1 साल बाद आइए, तो आई सीरियसली वांट टू इन्वेस्ट, तो देखा ही है साथ में आपके। हाँ मेरा बेटा यही, लेकिन ये है कि आप कह रहे हैं पहले वो कर गए, मैंने फोन पे भी किया था, आपने देवेंद्र जी का नंबर। अच्छा जी साहब, राइट राइट, मैम द थिंग इज दैट मैं क्या बोलता हूँ, लोगों की प्रिपरेशन होना जरूरी है। आई एम नॉट ईगर फॉर द ऑर्डर्स, आई एम ईगर फॉर द राइट क्लाइंट। भाई एक तो उसकी प्रिपरेशन 3 सच हो, हमको बेचना कहा है पहले क्लियरेंस होना चाहिए, हमारे रॉ मटेरियल कितना मिल रहा है। अब आज क्या होता है, आप रॉ मटेरियल को एक क्लाइंट के पास चले गए, आज का युवा क्या करता है भैया जैसा प्रतुल जैसा, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इन NCR सर्च कर लिया, जब तक आप एंड यूजर तक नहीं जाओगे, लकड़ी वाले कितने हैं इतना डाटा इकट्ठा नहीं करोगे 1 महीने का, तब तक आप उसमें मत आओ, इट्स वेरी डेंजरस। नाउ द पर्सन इज सिटिंग आकाश द्विवेदी, 250 एकड़ में नेपियर फार्मिंग है, नाउ इज सर्चिंग मैं एथेनॉल बनाऊं कि पेलेट बनाऊं, भाई 250 एकड़ में 3-5 दिन का प्लान चला सकते हैं, इनको पता ही इनका पोटेंशियल क्या है, 70 पैसे का रॉ मटेरियल इनके पास, 70 पैसे का एम राइट, उससे ये आराम से 1 रुपये किलो कमा सकते हैं। आज उचार में टांडा में इनके टेंडर निकले हुए हैं, उसमें सिंगरौली में बिड किया हुआ है, क्या हो ना सिंगरौली में, तो अगर ये सप्लाई कर देंगे दिक्कत ही नहीं है, आप दिन में 50 टन कमाओ, 50,000 कमाओ। थिंग इज दैट कि भाई आप एथेनॉल के पीछे घूम रहे हो, जो आपके हाथ में वो काम तो करो, आप कह रहे हो जूस निकला क्या करूंगा, मैं कह रहा हूँ कि अपन क्या करते हैं संतरे का छिलके का फेंक ही देते ना। अगेन इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। नहीं मैं आपको ऐसा हार्ड नहीं करना चाह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ आप इस पे भी आ सकते हो, एंड लेटर कमिंग ऑन दिस बिजनेस, यस, बट उसके साथ साथ मैं मेरे को, यस यू कैन पैरेलली, फिर आप एथेनॉल मत करो, आप एक पूरा प्रोजेक्ट करो, गो फॉर एथेनॉल, गो फॉर अ बायोगैस, गो फॉर अ बायो फर्टिलाइजर, आप कंप्लीट प्रोजेक्ट करो, फिर आधा दूर करके फायदा नहीं फिर आपको, या फिर आप अभी एक ही काम करो कि उसका जूस एक्सटेंशन करके पैलेट बना लो,
सबसे सस्ता काम, 1.25 करोड़ में प्लान लग जाएगा आपका, लगा के सीधा चालू करो, एनटीपीसी को दो, अपना आरओआई निकालो, एक साल के अंदर अगला इन्वेस्टमेंट कर दो। भाई आपने फार्मिंग कब की थी? अभी 5 एकड़ में जस्ट स्टार्ट किया है, आपको पहले राइट स्टडी करनी है। भाई आप जल्दीबाजी मत आओ उसमें, वी ऑलवेज फोकस कि आदमी जो भी आया तब तैयारी से आए। कहाँ भेजना है आपने पुल कितना वीडियो भी देखा होगा, फरीदाबाद का पुल कितना वीडियो देखा होगा, आई थिंक आपने देखा होगा। इज सेलिंग ऑन 350 टन पर मंथ, बट द थिंग इज दैट इज वेरी क्लियर अबाउट द मार्केट कि मुझे प्राइवेट सेक्टर को देना। I don't want to supply to NTPCs. Government. I cannot wait for a 7 rupees for a 1 month or for a while. मैं कहाँ तक इतने खट्टा करूँगा? वो लकड़ी लाता है, लकड़ी से बुरादा बनाता है और सीधा उसको भेज देता है, 15 दिन में पेमेंट आ जाती है, 14-13 रुपये किलो ले रहा है, आर ओ आई निकाल करके जगुआर खरीद ली, नया प्लान लगा रहा है 5 दिन का। सर ये फिजिबिलिटी आप सिर्फ NCR की बता रहे हो ना? नो, मैं अभी देखो क्या होता है, हमारा कंसेप्ट हमेशा दिल्ली से आगे राज्यों में बढ़ता है। अभी दिल्ली में कोल बैन हो गया, दिल्ली में चालू हो गया, आप क्या मान रहे हैं अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, मुंबई और बाकी पुणे, ये सब इसी कगार पे हैं। धीरे धीरे NGT में भी सब में बैन करने लग जाएगा, सब महानगर बन जाएंगे। पुणे की अपनी कंजप्शन 300 टन पर डे की है, पुणे की, मुंबई की 500 टन पर डे की है, बट इंस्टेड ऑफ दैट की 300 टन के पास पास उसको 30-40 टन पर डे भी नहीं मिल रहा। बट अगेन जिसके पास पैलेट की बता रहे हो, पैलेट की, जिसके पास ऑर्डर है उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा और जिसके पास रॉ मटेरियल है उसको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, गैप बहुत बड़ा है। कस्टम अगर हम नोएडा में हैं, नोएडा में आसपास को जो अगर लैंड की भी बात करते हैं, हम तो प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, साथ में जो लैंड है वो भी इट्स अगेन अ बिग वो कि लैंड भी बहुत सारा होना चाहिए। तो लैंड अगर अब सब कुछ देखते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हमारे पास लैंड है, लेबर में है, कहाँ पे है, तो वहाँ से हम कहाँ कहाँ पे ऑब्वियसली फिर वो सी द थिंग इज दैट रॉ मटेरियल बहुत हल्का होता है। अब आप समझो इस हॉपर में, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कितनी पराली आ जाएगी, कितनी? सॉरी एक बार मैं इंटरप्ट करूं, मैं भी जानना चाह रहा था, आई यू सीरियस अबाउट दिस टोरिफैक्शन? टोरिफैक्शन उन्होंने बताया भाई थोड़ा पे, सो इट इज देयर, इट इज देयर। सो व्हाट इज देयर, इसके अंदर तो पैलेट कितनी आएगी? लेट्स से 30 ग्राम, मैं इसके अंदर पैलेट कितना दे सकते हैं? लेट्स से 100-150 किलोमीटर तक भेज सकते हो, 400-450 किलोमीटर पे 1.5 रुपए में, लेकिन मैं कोटा से रॉ मटेरियल लकड़ी का बुरादा नहीं बेच सकता। सो योर बाउंड्री इज 500 किलोमीटर का रेडियस, अगर आप दिल्ली में बैठे 500 किलोमीटर रेडियस, तो आपको बनारस तक पहुंच गया। आप तो मतलब अपने कितना मार्जिन बैठोगे? देखिए रॉ मटेरियल क्या, उस पर डिपेंड करेगा। आप समझ लीजिए प्रोसेसिंग कॉस्ट 2.5 रुपए की है, ये मान के चलिए पर किलो, फॉर ए प्लांट ऑफ 1 टन 2 टन कैपेसिटी, 5 टन कैपेसिटी। अब उसके बाद रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है वो आपको देखना है, इकोनॉमिक वायबिलिटी आपकी रॉ मटेरियल पर आएगी, प्लांट की प्रोसेसिंग कॉस्ट वही रहेगी। अब जैसे हम लोग पे हमारी लाइन ही नहीं है, वी आर इनटू एजुकेशन, हमारा तो इंस्टीट्यूट्स हैं IIT मेडिकल, तो ये बिल्कुल ही नया है, लेकिन वही कि कहीं पे तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपन, और थोड़ा सा ये लग भी रहा है कि काफी कैसे देख भी रहे थे आप? नहीं, मैंने लास्ट ईयर 6 महीने पहले भी आपसे बात की थी, तब आप तभी भी आप ट्रैवल कर रहे थे कि आप दिल्ली में एकदम आ गए, तो वो देव जी बोले कि आप अभी आ ही जाइए। हां बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताया था उन्होंने। तो मैम देखिए मैंने क्या बोला आपको, प्लांट लगाने की जगह मिल जाएगी, रॉ मटेरियल का आप देखिए कि आप क्या रॉ मटेरियल क्या है, इंडस्ट्री आपके दिल्ली वालों के लिए तो टेंशन ही नहीं है बेचने की, पीपल आर ईगली वेटिंग हमें कुछ सप्लाई करें। NCR आप NCR तो रहा नहीं, दिल्ली रह गया हुआ, नोएडा तक पहुँच गया, गुड़गांव तक पहुँच गया, एंड द काइंड ऑफ इंडस्ट्री फरीदाबाद हैविंग जो देख रहा हूँ मैं, कोटा में हमारे अगर 100 इंडस्ट्री है, फरीदाबाद के अंदर 1200 इंडस्ट्री है, कोटा में हम 100 टन पर डे का माल बेच रहे हैं, आप समझ लो यहाँ कितना बेच सकते हैं, क्या पोटेंशियल है। तो वो फिर पता है जैसे जो एक अभी कल आया है प्राइवेट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट NTPC प्राइवेट, आई डोंट एग्री सर, क्या इस पूरे साल इतने लॉस में गए हैं प्लांट्स NCR बेस्ड टू मेनी? मैं मेरा तो मेरा मेरा तो डाटा नहीं है आपका, नहीं मैं बस बता रहा हूँ, देखिए मैं NCR बेस्ड प्लांट हूँ, मेरे पास 100 टन पर डे का प्लांट है NCR में, मेरे सामने इतने सारे बने और इतने खत्म हो गए हैं सामने। मैं वो ये बोल रहा हूँ बॉस कि ये सारा मैंने अभी क्या बोला इनको, मैंने आप प्लान लगाने से पहले स्टडी करो, पीपल आर जस्ट कॉपिंग, देयर इज एन ओवर सप्लाई इन द मार्केट, जस्ट कॉपिंग, डिमांड इज लोअर देन सप्लाई राइट नाउ। मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट कॉपिंग कि भाई लोग आ रहे हैं, इसने लगाया इसने लगाया, भाई आप स्टडी तो करो, इनके पास फार्मिंग है ये लगा नहीं रहे, जिसके पास प्लांट बेस्ड देयर इज अ गैप, नथिंग एल्स, देन द प्राइवेट इंडस्ट्री इज चोक्ड।
लोग आज रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं 3.5-4 रुपये का और पिकेट बेच रहे हैं 5.5 रुपये का, मुझे बता दो खाए सर ने अभी 2.5 रुपये का कन्वर्जन बोल दिया। नहीं पैलेट क्यों था, मैं पैलेट क्यों था रहा हूँ पैलेट, चलो विकेट का टेक कर दो मार्जिन का आपका क्या मैन विकेट है या विकेट पैलेट बोथ मैम। आई हैव अ प्लांट। आपकी कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम इंडस्ट्रिया। अच्छा आई एम अ टेंडर होल्डर ऑफ द पावर प्लांट आल्सो सो आई डू बोथ व्हिच इज व्हाई आई एम लिस्टिंग। पावर प्लांट को सप्लाई कर रहे हैं आप? जी जी 200 टन पर डे। अच्छा सप्लाई कर रहे हैं झज्जर में? अपने पैलेट्स का ही अपने तो बेसिकली देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन व्हाट सर इज करेक्ट अबाउट द फैक्ट दैट थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज्यादा बहुत बड़ा गैप है, हम सोच भी नहीं सकते उस चीज को, वो गैप भरने में बहुत साल लग जाएगा। 77 लाख टन का ऑर्डर निकला हुआ है इंडस्ट्री पे, 77 लाख टन का है, 77 लाख टन का है, 3 लाख टन का सप्लाई हो रहा है। समझो प्राइवेट में भी मैं बताता हूँ आपको, लेट मी करेक्ट यू, क्योंकि आपने उस साइड में शायद रुझान नहीं दिया। नहीं नहीं सर मैं 4 साल से कर रहा हूँ। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी अभी हमारे भीलवाड़ा है ना टेक्सटाइल का गढ़ है, अभी एक भी पावर प्लांट ने वहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया। रिसेंटली हमने इसको सप्लाई किया, कॉपी करके लोग उसमें आ रहे हैं। ठीक फार्मा कोई पावर प्लांट ने नहीं स्टार्ट, ठीक पावर फार्मा सेक्टर जस्ट स्टार्टेड इन अहमदाबाद, हैदराबाद कैडिला यूज कर दिया, कैंडिडेट ने यूज कर दिया, दोनों यूज कर दिया, बाकी सब कॉपी करना चालू कर दिया। आई एम सेइंग इनोवेशन आपको करना पड़ेगा, मोटिवेशन को तब जाकर आएंगे, यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। मैं आपको ये नहीं बोलूँ रेडी मार्केट है, मार्केट बनाना पड़ेगा, हमने बनाया हमारा हमारा खुद का 1000 टन का मार्केट है, हमने बना रखा है, हमने लोगों को कन्विंस किया, मोटिवेशन कर रहे हैं लोगों को, लोगों को डिफेंस दिला रहे हैं। डीजल से क्या होगा, एक एक लीटर डीजल जलता है 8,800 कैलोरी मिलती है, इसका रेट क्या है 85 रुपये 90 रुपये, और एक ही किलो पैलेट जलता है उससे आपको कैलोरी मिलती है 4,500, तो आपको 8,800 के 2 किलो जलना पड़ेगा, 12 किलो 24 रुपये का ये चीज़ हो गई, वो 85 रुपये की चीज़ है। दिस इज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। आई एम सेइंग अबाउट द टेक्निकल पैरामीटर्स, इसीलिए मैं उनको बोला अभी प्लान मत लगाओ, पहले स्टडी करो। मैंने तो जितने भी प्लान लगाए हैं आज तक मेरा कोई प्लान फेल नहीं हुआ किसी भी क्षेत्र का हो, और दूसरा मेरे सारे प्लांट वाले जितने भी हैं सब यूट्यूब पर मौजूद है, आप कभी भी किसी का इंटरव्यू कर लो, नंबर फोन पर कर लो। एक्चुअली कल भी यमुना विहार से जो आए थे ना आपने उनका यूट्यूब, वो कटनी से थे, 2 साल पहले प्लान लगाया, अब ये पूरा प्लान, ये प्लांट पे आप देखा सोल्ड है, उसी को सोल्ड हो गया, कंप्लीट प्लांट सोल्ड। काइंड ऑफ वे वी आर वर्किंग, हम मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, मार्केट जनरेट करो। उस बंदे ने 2 साल पहले प्लांट चलाया था कटनी में, एक भी दाल मिल में पैलेट नहीं जा रहा था, आज कटनी के अंदर 600 टन पर मंथ का माल दे रहा हूँ। अगर आप बात करो ना पावर प्लांट की, मेरा जो एक्सपीरियंस है 4 साल में, मैंने इस इंडस्ट्री को देखा है जहाँ पर कोयला 9 रुपए का बिक रहा था और उसको 32 रुपए जाते हुए और फिर उसको वापस गिरते हुए देखा है 11 रुपए का। ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता है, फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ पैसा मोटिवेट करता है। जब इंडस्ट्री में कोयला 32 रुपए का हो गया सारे इंडस्ट्रीज को रियलाइज हुआ अरे बाप रे कभी भी हो सकता है, इसलिए लोग स्विच करने के लिए ये है। सीबीजी पे उतना जोर चल रहा है, इथेनॉल पे उतना जोर चल रहा है, कल आपने गडकरी साहब को सुना होगा उनकी जो पिक्चर तो अलग ही थी। तो थिंग इज दैट जहाँ पॉजिटिविटी में सर इज ऑल्सो करेक्ट एट दिस पॉइंट, मैं आपको बोल रहा हूँ सर को भी शायद मेरे जैसा मोटिवेट नहीं मिला हुआ, मैं अभी भी इनको बोला अभी सारे जो दिन लगाए प्लान मत लगाओ, पहले स्टडी करो, डोंट कॉपी की इन्होंने प्लान लगाया, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको पहले स्टडी करो, रॉ मटेरियल कितना मिलेगा, कंटेंटर सप्लाई कितनी है, मार्केट क्या आपका, मैंने आपको मार्केट ओपनिंग दे दी, यहाँ आप सेल कर सकते हैं, उनके डोर को लॉक करो, तो हम ये आपको डिफरेंस करके दें। एक लीटर गैस जलती है उससे 11,800 कैलोरी मिलती है एलपीजी से, उसकी जगह आपको उससे देखिए 3 किलो में काम हो जाएगा, 3600 रुपये की जगह आप 100 रुपये दे रहे हैं, फर्क कितना है। उनको अपने बर्नर्स मॉडिफाई करने पड़ेंगे, उनको अपने फर्नेसेस मॉडिफाई करने पड़ेंगे, वो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है जितनी बड़ी कॉस्ट वो दे रहे हैं अभी, वो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। एंड इट्स नॉट कि भाई आपको सारा वो गांधी जी की तरह मोटिवेशन करने के लिए गांधी मार्च निकालना पड़ेगा, ये आपकी एक शुरुआत होती है, अपना कॉपी होता है इंडस्ट्री में, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट आप कितना मोटिवेशन कर रहे हैं। मेरे पास क्लाइंट है जो स्टोर सप्लाई पे काम कर रहे हैं, अभी पुलकित जो है ना फरीदाबाद का हमारा, क्या 350 टन तो खुद बना रहा है पुलकित, 200 टन मुझसे ले रहा है और 600 टन का माल बेच रहा है एनसीआर में, 200 टन पर डे, एक रेट वही है 12 रुपये रेट है इनकी एनसीआर में, 4000 जी सी बी की 12 रुपये रेट है जो बना है प्राइवेट लोगों पर प्राइवेट भाई 300 टन तो आप प्लीज सॉरी आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया उसका क्या 2 टन पर आओ
मतलब अगर हाँ और कंटिन्यूअसली कितने घंटे तक प्लान? यू कैन रन एज लॉन्ग एज यू वांट सर, चला ही रहे 20 घंटे चलाओ कोई दिक्कत नहीं, 10 घंटे चलाओ कोई दिक्कत नहीं, दैट्स नॉट अ बिग डील। कुछ नहीं मेंटेनेंस, सबसे बड़ा तो ये है जो मशीन है इसके अंदर डाई और रोलर है, हैमर मिल की ब्लेड्स है, अगर शेडर यूज करो उसकी ब्लेड से, कटर यूज करो उसकी ब्लेड से, इन सबको ध्यान रखना आपको, सबकी एक लाइफ है। इसकी डाई कितना चेंज, कितने पे चेंज करना? सॉडस पे 350-400 टन, पराली पे 800-900 टन, इस तरह की डाई है। और इस पे पैडी स्टॉप है, सॉरी पैडी हस्क है, लगभग इतनी 700-800 टन। दोनों चेंज करना पड़ेगा डाई एंड रोलर? इट्स ऑल अबाउट, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, अगर प्रेशर नहीं आ रहा तो रोल भी चेंज करने पड़ सकते हैं, वो आप सीख जाओगे। 1,25,000 रुपये इनका कॉस्टिंग आता है। मतलब हर 4-5 महीने में चेंज करना पड़ेगा, कितने महीने में चेंज होगी डाई वगैरह? कह रहा हूँ ना, आप 400 टन का बना लेंगे तब चेंज कर दो, आप 400 टन आप 2 दिन में बना लो, 2 दिन में चेंज कर दो, नहीं तो आपको डिपेंड है। ये वुड चिपर है, लकड़ी ब्रदर। अरे देवेंद्र, लकड़ी ब्रदर बताओ, राइट आइए मैम, आइए आप बैठिए और डिस्कस कर लीजिए। सर आप क्वालिफिकेशन बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन चैम्बर है, ये चैम्बर 5 टन से 2 टन का चैम्बर है, इसके अंदर 5 टन से 2 टन 2.5 टन 5 से 2.5 टन आएगा, 50% प्रोडक्टिविटी आती है, चैम्बर एस्ट्रे का है। 50% प्रोडक्टिविटी मतलब मैं 1 टन डालूंगा मेरे को 5 रुपये मिल जाएगा। ओके ऑब्वियसली मेरे को बायोमास डालना चाहिए। वीएम इसमें मिलेंगे 22 से 25% वीएम मिलेंगे, ओल्ड टाइम मिल्टर मिलेगा इसके अंदर, मिलेगा मॉइस्चर मिलेगी 2% के आसपास, ऐश मिलेगी 2% से कम, राइट। इस चैम्बर के अंदर ये 150 पे डिपेंड नहीं करता है वो चीज, क्या चीज करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल बिल्कुल करती है। कौन से रॉ मटेरियल की बात कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ पराली पे, बता रहा हूँ पराली पे, मैं बता रहा हूँ आपको राइसेस पे बता रहा हूँ जिसपे हम टेस्टिंग कर चुके हैं। ये चैम्बर 150-200 RPM में घूमेगा। इस चैम्बर के अंदर एक ड्रम और है जो जालीदार ड्रम है, बस जब आप हीट देते इसके अंदर हीट देंगे, डायरेक्ट फंडे से हीट आएगी, यहाँ पर बर्नर लगेंगे 3 लाख किलो के 4 बर्नर लगेंगे, उससे जो हीट आएगी उससे अंदर ड्रम गर्म होगा। किस पे बेस्ड रहेंगे ये? इसी की गैस से बेस्ड रहेगा। ओके, ठीक, और गैस से? और गैस से होगा। इसके अंदर जो ड्रम को हीटिंग मिलेगी, वो ड्रम 12.5 मीटर का है और इसका डायमीटर है 3.2 मीटर, मतलब 11 फीट के आसपास का डायमीटर है। इससे जो हीट निकलेगी, इससे यहाँ से यहाँ तक क्वालिफिकेशन होना चालू हो जाएगा, नीचे जो उससे टार निकलेगा वो कलेक्ट होगा, यहाँ टार निकल जाएगा, पैलेट यहाँ से निकल जाएगा, गैसेस यहाँ से कलेक्ट होगी। नहीं, पैलेट डालने की रॉ बायोमास डालने की? पैलेट, पैलेट। क्यों? मेरा बायोमास 50% हो रहा है तो मैं तो सस्ती चीज को करना चाहूंगा ना 50%, उसके बाद मैं पैलेट बनाऊंगा। 50% क्या हो रहा है आप बोल रहे ना, उसका वेट 50% हो जाएगा जब ये खत्म होगा प्रोसेस, करेक्ट? तो मैं कच्चे भूसे को करूंगा ना जो सस्ता है, महंगी चीज को क्यों करूंगा जो मैंने पैलेट में कन्वर्जन वगैरह? अल्टीमेटली फायदा तो आपको उसमें हो रहा है, रॉ में हो रहा है ना। कैसे? मेरे को 2 रुपए का अगर रॉ मटेरियल मिला वो आधा बच गया तो वो 4 रुपए का बन गया, मैंने पैलेट बनाया 2 रुपए के रॉ मटेरियल से, वो 4 रुपए का बन के बना, उसका आधा हो गया, वो तो 8 रुपए का हो गया, मेरा तो फायदा रॉ मटेरियल में हुआ। और अगेन रॉ मटेरियल की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो दैट विल बी, क्योंकि आज अभी यहाँ पर 550 kg मीटर क्यूब का प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हैं 12.5 मीटर के अंदर, वहाँ पर आप करेंगे 76 kg per meter का, 100 kg per meter का, तो आउटपुट कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगी टाइम वाइज, टाइम निकलेगा वो आधा ही, लेकिन आउटपुट टाइम वाइज आप निकलेगा, कॉस्टिंग पे तो बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप एक बार कैलकुलेशन करो, आप पहले आप सुनिए, मैंने 2 रुपए में कन्वर्ट करना है, पहले आपको रॉ मटेरियल की मॉइस्चर लानी पड़ेगी 10% के आसपास, तब जाके टॉरिफिकेशन स्टार्ट होगा, कोलकाता कुल्लू राजस्थान चित्तौड़गढ़। Can I visit? You may, with due permission of the client, I would like permission. Definitely. Because I would like to buy this. Definitely. Will arrange. Can I get your card? Definitely.